उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो लगातार सरगर्मी बनी हुई है, जिस तरह से माहौल बन गया है, लोगों में स्थिरता नहीं आ पा रही है, उसी सब दूर करने के लिए, क्योंकि जो ग्राम प्रधान पंचायत के लोगों ने डीपीआरओ जिला स्तर पर अपनी आपत्तियां दाखिल की थी, ऑब्जेक्शन दाखिल किए, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों ने ऑनलाइन जारी की थी, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा उनके बारे में कोई लोगों की, जबकि वो आपत्तियां संवैधानिक रूप से चुनावी स्तर को पंचायत राज चुनाव अधिनियम और उसके आधार पर दी गई, तो उनका अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पा रहा है। और इसके विपरीत जहां अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया, आचार संहिता लग गई, आगे का प्रोसेस हो गया, यद्यपि ये सारे दिन छुट्टियों के थे, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये जब अधिसूचना जारी की उसके अगले दिन से ही पूरी छुट्टियां लगा दी गई और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया गया जिससे कोई कानूनी कार्रवाई। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए समय बहुत कम है, कई पंचायत के लोग इस बारे में संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी आपत्तियां दे रहे हैं, अपने चीजें ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, और इस बारे में अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सभी चीजें डॉक्यूमेंट, उनके इलेक्शन आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपत्तियों को सभी को लेकर जितने भी याचिकाकर्ता होंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से संबंधित, उनके बारे में जो अधिसूचना हुई, आचार संहिता हुई, इनको चैलेंज करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही हम एक याचिका लगाने जा रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर समय बहुत कम है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में, देश की सबसे बड़ी, मजबूत और सबसे छोटी चुनावी इकाई लोकतांत्रिक चुनाई को हमें मजबूत करने के लिए यह प्रयास करना पड़ेगा, जिससे न्याय हित में जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं, आपत्तियां दाखिल की हैं, ऑब्जेक्शंस दिए हैं, उनकी सुनवाई हो सके, उन पर आगे चीज हो सके, शांति माहौल बना सके, शांति ना फैले, यह अति आवश्यक और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पद्धति है, उसमें ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ये सबसे मजबूत इकाई है, उसके द्वारा ही देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद और राज्यसभा के लिए रास्ते जाते हैं, और उन पर अगर ऐसा होगा, उन पर देखिए सबसे निचले स्तर पर ही लोग इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी ऑब्जेक्शंस जो उनकी लगाई गई हैं या वहां प्रार्थना पत्र दिए गए डीपीआरओ पर, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, लोग एप्लीकेशन देते हैं, रिसीविंग कॉपी है, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डालेंगे।